तुम्हारा श्री महाराज श्री, आज मैं आपसे एक ऐसी बात पूछना चाहता हूं जिससे सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराज, ये कुंडली होती है, कुंडली 1.5 घंटे में एक लगन चलता है। उस 1.5 घंटे में जितने बच्चे जन्मते हैं सबकी समान कुंडली बनती है, कोई कोमा मात्रा 10 कुछ कुछ भी फर्क नहीं है, समान कुंडली बनती है। एक तो उसी अस्पताल में होते ही मर जाता है, एक 80 साल का होकर मरता है, एक राष्ट्रपति बन जाता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, एक भीख मांग रहा है, एक मजदूरी कर रहा है, तो फिर काहे की कुंडली? ठीक है। अब महाराज जी दूसरी बात, लोग शादी ब्याह में कुंडली से कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं। लड़के लड़की के गुण तो देखते नहीं है, और कुंडली में पंडित से जाके कुंडली मिलाते हैं। तो कुंडली महाराज जी, क्या कुंडली क्या मिलाते हैं? हमने मेरी भी और हम सारे बहन भाई, किसी भी ने कोई कुंडली नहीं मिलाई, हमने कभी हमारे बच्चों की कुंडली नहीं मिलाई कभी भी, और सारे ठीक हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो जिसमें ब्राह्मण भी हैं और जेएनयू के भी हैं, तो उन्होंने कुंडली मिलाई, उनके अनबन हो गई, वापिस घर आ गई, या तलाक हो गया, बहुत सारे हैं। तो फिर कुंडली मिला की तो फिर सही होना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात आपने हाँ। की यद्यपि इस विषय में मैंने अपना अभिमत अनेक बार प्रकट किया है, आपकी पूरी बात की समीक्षा में एक पंक्ति में देखे बात आगे करता हूँ कि आज के समय में तो कुंडली कहीं से प्रासंगिक ही नहीं है, कुंडली ही प्रासंगिक नहीं है। क्यों? आज के समय में कहीं कुंडली ही प्रासंगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंडली तो तब सही मानी जाए जब जन्म सही ठिकाने में हो और सही टाइम पे हो। कुंडली का आधार इष्टकाल है, और इष्टकाल व्यक्ति के जन्म स्थल के अक्षांश देशांश के आधार पर और वहाँ के सूर्योदय के आधार पर होता है। अब शिखर जी के व्यक्ति है, उसका जन्म कलकत्ता में हो रहा है, तब उसकी कुंडली तो कलकत्ता के हिसाब से बनेगी, और कलकत्ता में एक समय पर एक साथ अगर 100 बच्चों का जन्म हुआ है तो 100 की जन्म पत्री एक होगी, और फिर वही विसंगतियाँ आएगी जो आपने बोला। फिर दूसरी बात, ये नैसर्गिक जन्म हो तो कुंडली का कोई मतलब हो? जन्म भी आजकल तो पहले से तय हो जाते, सीजर होते हैं। अब कुंडली पहले बनती, बच्चा बाद में जन्मता है, तो कुंडली का क्या काम? तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, और इसके उत्कृष्ट प्रमाण अशोक जी खुद हैं। महाराज श्री हाँ। वो मैंने पंडितों से भी ये बातें पूछी हाँ। मैं तो पूरा खोज करता हूँ पूरी हाँ। वो फिर कहते हैं मेरे को, हम देश काल क्षेत्र भाव ये देखते हैं। वो कैसे देखते हैं देश काल भाव? कुंडली तो समान है, मन से देख लेते हैं। वो उसमें भी कुंडली नहीं मिलती है तो थोड़ी दक्षिणा बढ़ जाने से मिल जाती है। ये भी एक मिनट, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, मैंने अनेक बार बोला हूँ, कुंडली नहीं मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। महाराज श्री आपने जो बताया ना दक्षिणा की बात, ये कंवर साहब बैठे हैं और मेरी बेटी बैठी है हाँ। वो राजेंद्र जी कुंडली के चक्कर में पड़े हुए थे हाँ। और मैं उस पंडित के गया, 1000 रुपये दक्षिणा दी, उसने कुंडली मिला दी। ये बैठे हैं सामने और राजेंद्र जी सुन रहे हो तो उनको ही पता है सब बात, बता दी मैंने उनके बाद में सब। मैंने अनेक बार ये बात दोहराई है, कुंडली मिले या न मिले, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। अब वो मिल गया समझ लो सब कुछ है। व्यक्ति के गुण मिलाओ, कागज के गुण नहीं मिला। और आजकल कुछ लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं। हमने सिंहस्थ कुंभ जब हुआ था अशोक जी, सिंहस्थ कुंभ हुआ था तो कहते सिंहस्थ कुंभ के विवाह अच्छे नहीं होते, उस साल विवाह नहीं होता, सावा नहीं होता। एक अखबार में एक लेख छपा था जिसमें 250 विवाहों का विश्लेषण था, जिसमें सब अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोग थे, और सबका सिंहस्थ कुंभ में विवाह हुआ था, और उसमें ऐसे भी थे जिनके विवाह के 58-58 साल बीत गए थे,
और शानदार पारी थी। इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा कुंडली के झोंक में रहते हैं, मैं पुनः बोल रहा हूँ, अशोक जी सुशीला जी को प्रमाण मान लेना, मामला बराबर हो जाएगा और इन चक्करों में पड़ने से कोई लाभ नहीं है।